हे गाइस, क्या हाल भाई है। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने वाले हैं। ये आइडिया मेरे को किसी ने दिया था कमेंट्स में से, तो थैंक यू भाई। उसको नाम मैं याद नहीं रख पाता तो उसके लिए मैं सॉरी पहले से ही, लेकिन जिसने भी दिया भाई थैंक यू उसको। ये रबर टिप आगे से मैं नाम याद रखूंगा जो भी आइडिया देगा, तो कमेंट्स में आइडिया दे दिया करो यार, मैं पक्का नाम याद रखूंगा आगे से, ठीक है। तो ये एक पेंसिल का रबड़ है, जो एक रबड़ वाली पेंसिल आती है ना, जैसे यहाँ पे एक रबड़ लगा होता है, मतलब एक मेटल के उसमें रबड़ केस लगा होता है, यहीं से मिटो लेते हैं जिससे। तो ये है वो रबड़ यानी कि इरेजर। हाँ, किसी को नहीं पता तो सॉरी गाइस। तो ये है इरेजर जो यहाँ पे लगा हुआ है, और भाई ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट बेवलेड हो सकता है, क्योंकि अब इसमें रबड़ का ड्राइवर लग चुका है। तो कितना शानदार होगा ये देखना होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा लॉन्च करके देख लेते हैं, इसको स्पीड का पता चल जाएगा जिससे कि। चलो 3 2 1 हो जाए शुरू। ये देख लो भाई। अरे भाई साहब, सबसे क्या कहते हैं उसको, फास्टेस्ट। हाँ, इसको हम ब्रेव वेलक्री में यूज करेंगे। ये चलो भाई, ब्रेव वेलक्री देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इसके बाद। ब्रे वेलक्री डेंजरस, लेट्स सी। अरे गाइस, संभल ही नहीं रहा ब्रे वेलक्री तो इससे। 3 2 1 भाई देखो कैसे बिहेव कर रहा है ये। गाइस इसकी फाइट करेंगे अब। ओके, तो जो भी चैनल पे नया है यार, सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को ऐसी ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। और मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बेब्लेड का कंटेंट ही मिलता है, कभी कभी पोकेमोन डाल देता हूँ मैं, लेकिन मोस्टली बेब्लेड ही मिलेगा। तो ठीक है, कर लो यार सब्सक्राइब हमारे चैनल को। ओके, अभी करते हैं साइक्लोन रैग्नारोक से, देखते हैं क्या ब्रेव वैल्करी जीत पाएगा। साइक्लोन से कोई जीत नहीं पाता। भाई लगातार अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, वो भी डेंजरस वाले अटैक भाई, नॉर्मल वाले नहीं। तोते उड़ा दिए यार, ऐसे ही थोड़ी मजाक थोड़ी है भाई साहब। ये भी देखो रबर टिप है, बट इसकी और इसका साइज देखो यार, डायमीटर देखो कितना फास्ट होगा ये। ये क्या था, पूरे चितड़े उड़ गए गाइस इसके तो। रुको रुको भाई, ये अलग था यार, लॉन्च होने से पहले ही डर रहा है ये तो ब्रे वेलक्री से। चलो फिर से करते हैं, मैंने 3 लॉन्चर और मंगा लिए ऐसे ऐसे, मस्त लॉन्चर है यार ये। ओ भाई सबको बस्ट कर रहा है यार ये तो, और स्टेमिना भी ठीक ठाक है यार, ऐसे खराब वाली बात नहीं है स्टेमिना खराब हो तो। यार ये मोड काफी मस्त बन गया, लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं गाइस, क्योंकि रबड़ जो है वो घिस जाता है। और अभी देखो ये स्टैंड हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है। ओके, डेथ साइथर, फिर से डेथ साइथर आ गया। चलो भाई 3 2 1 ब्रे वेलक्री, 3 2 1 इस बार ब्रे वेलक्री हारता है, पहला बेब्लेड जो हराता है ब्रे वेलक्री को। अभी बारी है इसकी, डेंजरस वर्सेस डेंजरस, दूसरा बेब्लेड ब्रे वेलक्री को हराता है। यार ये क्या हो गया, वैसे तुक्का बैठ रहा है दोनों का ही, सीधा बाहर स्टेडियम आउट हो रहा है ना, कोई बात नहीं फिर से करेंगे इसका। अब ये नहीं पता मेरे को ये लेफ्ट कौन सी साइड है। अरे यार बड़ा हार्ड है ये, रुको। 3 2 1 झंडे काट दिए भाई नाइट में लुइनोर तो आते ही एक टक्कर में हिल गया भाई। ओ ये है भाई, इससे करनी बनती है फाइट। 3 2 1 3 2 1 शिट भाई, ब्रे वेलक्री ने लगभग हरा ही दिया था यार, लेकिन टेम्पेस्ट को कौन ही हरा पाता यार, वोल्केनो हिलियो उसके छोड़ के। वो नहीं हरा पाएगा यार इसको, स्टेमिना बैटल में तो बिल्कुल नहीं हरा सकते इसको, मेटल टिप है यार इसके अंदर, स्टेमिना बैटल में कैसे हरा लेंगे। लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया है,
ये देखो मेटल टिप, ये भी मेटल टिप, लेकिन इसका डायमीटर देखो, इसकी वीडियो आने वाली है जल्दी भाई साहब। इसको पूरे को वो कर लेता है ये, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कभी इन फ्यूचर, उसमें मेटल टिप लगाएंगे हम, मस्त बनेगी भाई। चलो अभी दोबारा कर देते हैं इनकी फाइट, आई नीड बेटर फाइट। कम ऑन, नहीं भाई टेम्पर्स नहीं आ सकता गाइस। ये तो सारे बेब्लेड्स का मोटिवेशन खत्म कर देता है यार। आगे बारी है अखिलेश की, स्वॉर्ड अखिलेश की, लेट्स सी क्या कर पाता है स्वॉर्ड अखिलेश। दो बार बार फेंका है भाई अखिलेश को, एक बार बच गया तो दूसरी बार फेंक दो, ऐसे चलता है अखिलेश के साथ तो। और कुछ कह रहे थे यार, रुको मैं बताता हूँ, हाँ अभी बताता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ अपडेट दे दो उस स्टेडियम के बारे में, तो भाई वो उसमें 3-4 महीने लगेंगे। अभी अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया उस पर कुछ भी, क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी उसके लिए, और वो ढूंढने के लिए मेरे को घूमना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन हाँ वो बनाऊंगा मैं 4 महीने के अंदर ही, तो डोंट वरी गाइस, 4 महीने के अंदर बन जाएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम। सही है ना, देखते हैं भाई कैसा बनेगा यार। डर भी है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही अलग होने वाला है ये। चलो भाई देखते हैं यार कैसा बनेगा, अभी कुछ नहीं पता मेरे को भी, लेकिन बनाऊंगा बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा, चाहे मेरे कितने पैसे लग जाए। क्योंकि ये एक चीज़ मैं हमेशा से करना चाहता था, जब से मैंने ये चैनल खोला है तब से ही करना चाहता था मैं ये चीज़, तो ये वाला तो मेरे को करना ही करना है गाइस। और कमाल की बात है ग्रेटेस्ट रफाइल को हरा दिया इसने। ओके फिर से करते हैं, बहुत हो गया चचा, रुक जा। अरे डेथ फिनिक्स जीत जाएगा, कम ऑन ब्रेव, थोड़ा सा अटैक चाहिए। नहीं डेथ जीत गया यार, डेथ जीत जाता है यार, डेथ सबसे जीत जाता है, डेथ तो वोल्केनो हिलियोस से भी जीत जाता है। इससे देखते हैं भाई, कम ऑन वेलक्री भाई, इसकी तो स्पीड भी नहीं खत्म हुई थोड़ी सी भी यार। ये बेबल मस्त है यार, फ्री स्पिनिंग के साथ आता है ये गाइस। और ये देखो इसमें वेल उसको वाला क्या कहते हैं फैफनियर वाला ड्राइवर है, बर्स्ट होने वाला था यार देव। 3-2-1 मान भाई, इसकी तो आवाज भी अलग सी है। मैंने एक स्टेडियम मंगाया गाइस ब्लू कलर का, प्लास्टिक जेन का, वो देखते हैं कैसा रहेगा। इतना ही बड़ा होगा वो भी, शायद इससे बड़ा होगा शायद, हाँ इससे बड़ा हो सकता है। उसमें करेंगे फिर फाइट, शायद मैं उसका कलर वाइट या ब्लैक कर दूँ, ब्लैक करना अच्छा रहेगा। ओके गाइस आज की वीडियो में इतना था, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, ये ड्राइवर मोड पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए बेब्लेड के साथ। ओके बाय बाय गाइस, टाटा। सब्सक्राइब कर देना यार बस।